आज हम चर्चा ही करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मेटल एंड उनके यौगिकों के बारे में। तो सबसे पहले जो आपके पास जो मेटल है इम्पोर्टेंट वो है सोडियम। सोडियम भाई साहब सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल होती है, उसे जो संरक्षित रखा जाता है जो केरोसिन का होता है ना उसमें आप रखते हो, नहीं तो ये एयर के साथ रिएक्शन कर जाता है और वाटर के साथ भी रिएक्शन कर जाता है। और सोडियम एक ऐसी मेटल होती है, ये क्या होती है, ये कठोर नहीं होती, ये वेरी सॉफ्ट होती है, इतनी सॉफ्ट होती है इसे आसानी से ना आप चाकू से भी काट सकते हो। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ते हैं सोडियम मेटल के। तो सोडियम मेटल क्या होती है, सॉफ्ट होती है, सिल्वर व्हाइट मेटल होती है भैया। लेकिन अब इसके हमें यौगिकों के बारे में पढ़ना है, यौगिक क्या होते हैं, उनके यौगिकों के बारे में पढ़ना है, जो मेटल है ना सोडियम इसके बारे में पढ़ना है, जो इसके कंपाउंड है उनके बारे में। तो सबसे पहले जो इसका कंपाउंड है वो कौन सा है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो जनरली नेम है वो क्या है, खाने का नमक। अब खाने का नमक आपको सभी को पता है, खाने के नमक का सिग्निफिकेशन हमारी लाइफ में क्या क्या है। सबसे पहला जो सिग्निफिकेशन है जो आपका होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, और दूसरा क्या होता है जो आपका नर्वस सिस्टम है ना उसमें मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए क्या यूजफुल करते हैं, NaCl। और दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है न्यूट्रिशन ट्रांसपायरेशन एंड स्टोरेज, जो आपके खनिज पदार्थ है ना आपकी बॉडी में उससे क्या करता है, संचय करता है, और दूसरा क्या है उसका एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। ये क्या काम करता है आपका, सोडियम क्लोराइड। दूसरा जो है इसका इंपॉर्टेंट कंपाउंड ये होगी, ये क्या है, बोरेक्स। बोरेक्स का जनरली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7 5H2O। ये इसका यूज क्या है, देखिए जो घर के आसपास जो कूड़ा कचरा या मतलब गंदगी फैल जाती है ना वहां पे आप बोरेक्स यूज करते हो उसे हटाने के लिए। और दूसरा क्या होता है, किलिंग इंसेक्ट, इंसेक्ट स्पेशल आंट चींटी को किल करने के लिए आप बोरेक्स का यूज करते हो। बोरेक्स का यूज इन डिटर्जेंट एंड घरेलू सफाई के लिए भी करते हो आप बोरेक्स का यूज। दो तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड भाई साहब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसका यूटिलाइजेशन कहां कहां पे हो, जैसे कि आपकी पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, लुगदी एंड कागज उद्योग, उसमें आपका यूज होता है कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, कास्टिक सोडा। पूछा गया है निम्न में से कास्टिक सोडे का फॉर्मूला कौन सा है, NaOH क्या है, कास्टिक सोडा। और दूसरा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इसका कंपाउंड है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को आप क्या बोलते हो, धावन सोडा या वॉशिंग सोडा। ये हमें यूज करते हैं आपका जो डिटर्जेंट है ना या कपड़े धोने के लिए उसमें इसका यूज होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। उसके बाद पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। एक है कार्बोनेट, एक क्या है बाइकार्बोनेट। ध्यान रखना जो सोडियम कार्बोनेट है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, Na2CO3। और सोडियम बाइकार्बोनेट को आप क्या बोलते हो, मीठा सोडा। तो भाई साहब इसका देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है मीठे सोडे का, NaXCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका क्या होता है, आईपैक नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे आप बोलते हो बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडे का यूटिलाइजेशन आप कहां पे करते हो, बेकरी उद्योग में। अब डबल रोटी बनाते हैं ना वहां पे, इसका काम क्या होता है वहां पे, बेकिंग सोडे का। बेकिंग सोडे को आप जब आचे में मिला के उसे भूनते हो ना तो ये क्या करता है वहां से रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है वहां पे, बुलबुले उत्पन्न होते हैं उस आटे से। अब क्या होगा, अब जब बुलबुले उठेंगे तो क्या होना शुरू होगी, डबल रोटी क्या होगी, फूल जाएगी। तो इसका यूटिलाइजेशन होता है कहां पर, बेकिंग सोडे का, कहां पे, बेकरी उद्योग में। और जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट यौगिक है ना इसका वो है सोडियम थायोसल्फेट। अब सोडियम थायोसल्फेट को भाई साहब आप हाइपो भी बोलते हो, और पूछा गया था हाइपो का फॉर्मूला कौन सा है, Na2S2O3 5H2O। अब देखिए हाइपो का आप यूज कहां कहां पे करते हो यूटिलाइजेशन, इसका जो इम्पोर्टेंट यूज है ना वो कहां पे है, फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में आप हाइपो को यूज करते हो, और इसका नाम क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। और टॉक्सिसिटी आप जानते हो टॉक्सिसिटी क्या होती है, टॉक्सिसिटी को दूर करने में भी इसका यूज होता है सोडियम थायोसल्फेट का। और स्पेशल कौन सी टॉक्सिसिटी, साइनाइड की जो टॉक्सिसिटी होती है आप उससे ही दूर करते हो, ये पिलाया जाता है आपको सोडियम थायोसल्फेट उसकी टॉक्सिसिटी दूर करने के लिए। और बात करते हैं, देखिए अब एल्यूमिनियम है आपके पास मेटल, एल्यूमिनियम का जो बॉक्स क्या है आयसक, वो कौन सा है, बॉक्साइड आयसक। अब बॉक्साइड आयसक से आप एल्यूमिनियम कैसे प्राप्त करते हो, देखिए जब आपका बॉक्साइड आयसक होता है ना उसका आप करते हो विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन,
विद्युत अपघटन करने पर आपको कौन सी मेटल मिलेगी? एल्युमिनियम मेटल, ठीक है। और बॉक्साइट आयशक का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, क्या जानते हो आप? हाइड्रेट एल्युमिना, क्या होता है? हाइड्रेट एल्युमिना, हाइड्रेट एल्युमिना। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? हाइड्रेट एल्युमिना। सबसे पहला जो इंपोर्टेंट यौगिक है इसका कंपाउंड बात करें वो एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का देखिए आप यूटिलाइजेशन कहां कहां पे करते हो, एक तो पेंट, पेंट बनाने में, ठीक है, जो वार्निश वगैरह होती है ना उसमें एल्युमिनियम क्लोराइड यूज करते हो। अब देखिए कंपाउंड होते क्या है, कंपाउंड में वो मेटल कंपाउंड बोला जाता है जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट होते हैं। देखिए यहां पर एक एलिमेंट क्या है, एल्युमिनियम, और सेकेंड एलिमेंट क्या है, क्लोरीन। तो आप इसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड। अब इसके यूटिलाइजेशन पेंट बनाने में करते हो, और नेक्स्ट कहां करते हो, पेट्रोलियम के शोधन में। और नेक्स्ट जो आपके साथ यौगिक है ना एल्युमिनियम का, वो कौन सा है? पोटाश एलम। भाई साहब आपने फिटकरी का तो नाम सुना होगा, इसे क्या कहते हैं, पोटाश एलम। पोटाश एलम का निम्न में से फॉर्मूला कौन सा होगा, ये पूछा जाता है बहुत बार। एक क्या है इसका, K2SO4Al2SO4 की थ्राइस, और क्या है, 24H2O। और देखिए इसका रासायनिक नाम क्या होता है, हाइड्रेट पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। अब हाइड्रेट क्यों बोला गया भाई से, सबसे पहले यदि याद कराएं आपका ये क्या है पूरा, इसे बोल दिया आपने हाइड्रेट, ठीक है। अब बात करें पोटेशियम क्यों बोला गया है, ये क्या है आपके पास पोटेशियम, ठीक है, ये क्या है एल्युमिनियम, अब क्या है इसमें एल्युमिनियम, ठीक है। देखिए कितने सारे एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए फिर क्या है, सल्फेट, इसके अंदर सल्फेट भी है, ये क्या है पूरा सल्फेट। तो इसीलिए क्या नाम है इसका, हाइड्रेट पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। अब देखिए जिस मैटर के अंदर बहुत सारे, जिस यौगिक के अंदर बहुत सारे क्या हो, एलिमेंट उपस्थित हो, उन्हें क्या बोलते हैं, कंपाउंड या यौगिक। और जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्या है, ये है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4 की हॉल थ्राइस, ठीक है। और इसे कहां में आप यूटिलाइजेशन करते हो, वाटर की शोधन में, और दूसरा कपड़े की रंगाई में यूज करते हो एल्युमिनियम सल्फेट का। नेक्स्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट की हम बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना है, 20। और इसके तीन इंपोर्टेंट कंपाउंड होते हैं, कौन कौन सा, सबसे पहला था कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट, और तीसरा कौन सा है, ब्लीचिंग पाउडर। और सबसे पहले यदि हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CaO, और इसका नाम क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना, इसे ही हम बोलते हैं दुग्ध चूना। अब देखिए इसकी खोज डिस्कवरी 1808 में की गई इंग्लैंड में सर हम्फ्री डेवी के द्वारा। अब देखिए भाई साहब कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है, क्या है, मेटल के ऑक्साइड। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, क्षारीय इन नेचर का, अल्कलाइन मीडियम होता है, और ये कैसा होता है, कैल्शियम ऑक्साइड व्हाइट इन कलर, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है आपका। अब बात करें देखिए जब जब आप क्या करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय इन नेचर का, तो क्षारीय इन नेचर कैसे होगा, ये क्या है, मेटल के ऑक्साइड। अब ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है, आपको क्या करना है, चूने को बुझाना है। तो इसकी रिएक्शन आप पानी के साथ कराओगे, पानी के साथ जब आप कराओगे तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड। और भाई साहब जब कैल्शियम के, ये क्या बन गया, ये क्या था पहले, बिना बुझा हुआ चूना था, अब ये क्या बन गया, बुझा हुआ चूना, क्या बन गया, बुझा हुआ चूना, बुझा चूना। अब इस बुझे हुए चूने के पास क्या है, आपके पास हाइड्रोक्साइड है, और कैल्शियम क्या एक मेटल है, और सबको पता है मेटल कैसे ब्रेक होगा, प्लस के रूप में। अब क्या है यहां पर, और ये क्या कैसे ब्रेक होगा, OH नेगेटिव। अब जो हाइड्रोक्साइड देंगे वो क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। अब ये क्या बेसिक इन नेचर का होता है। अब बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, CaCO3। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का एप्लीकेशन क्या चाहिए, यूज क्या काम करते हैं, यूज औषधीय प्रयोगों और कीटनाशकों में इसका यूज करते हैं। आपकी जो सीमेंट इंडस्ट्री और कागज इंडस्ट्री होती है, और हायर स्ट्रेंथ जो हाई क्वालिटी का जो स्टील फॉर्म किया जाता है उसमें आप क्या यूज करते हो, कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं वहां पे। और वाटर और ग्लिसरॉल में क्या होता है, सॉल्वर। अब ये क्या बन गया आपका, बुझा हुआ चूना। अब ये कैसे डिवाइड हो सकता है, ऐसे हो सकता है अपने, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या होता है? कैल्साइट। क्या होता है इसका दूसरा नाम? कैल्साइट, ठीक है। और जिसे आप मार्बल और संगमरमर बोलते हो, क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट ही है, ठीक है। अब ये क्या है? चूने का पत्थर। और भाई साहब चूने का पत्थर क्या है? मोतियों आदि में भी मौजूद रहा होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जो आपके मोती होते हैं, जो चमक पैदा करते हैं, जो मोती होते हैं, ठीक है, वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब बात करें कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। आपका एक बुझा हुआ चूना है, बुझे हुए चूने की रिएक्शन CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराने पर क्या बनता है? आपका कैल्शियम कार्बोनेट। और वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ये क्या कहलाएगा? जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन किसकी इंक्रीज करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? सोल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, ठीक है। ये बनेगा यदि आप कंसंट्रेशन CO2 की इंक्रीज करोगे इस रिएक्शन में, ठीक है। अब इसका यूटिलाइजेशन कहां किया जाता है? ये यूज कहां पर करते हैं? पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में आप इसका यूटिलाइजेशन करते हो कैल्शियम कार्बोनेट का, कहां पे? लुगदी और कागज उद्योग में। और दूसरा कहां कहां पर? आप इसका फिल्टर यूज करते हो ना, पिगमेंट वर्णक, वहां पर भी किसका यूज किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मेटल का प्यूरिफिकेशन करने में आप कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हो, ठीक है। कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में आप इसका यूज करते हो। दूसरा कहां? जो संयंत्र होते हैं और वाटर में होते हैं, उनकी एसिडिटी को दूर करने के लिए भी आप किसका यूज करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का। अब हम चर्चा करते हैं ब्लैचिंग पाउडर। अब ब्लैचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2, ये क्या होता है आपका? ब्लैचिंग पाउडर। क्या है ब्लैचिंग पाउडर? ब्लैचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब कैल्शियम की क्या है? कैल्शियम की ऑक्सीक्लोराइड, तो क्या नाम पड़ा इनका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। किसी ब्लैचिंग पाउडर को आप क्या बोलते हो? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का एप्लीकेशन आप कहां कहां करते हो? पुराने जमाने में क्या होता था ना, कुएं होते थे और टंकियां होती थी, हौज बना लेते थे, उनके अंदर कीड़े पैदा हो जाते थे, कुछ क्या होते थे, कीटाणु पैदा हो जाते थे। उन कीटाणु और वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए आप एक पाउडर डालते थे जिसका नाम क्या होता था? ब्लैचिंग पाउडर, ठीक है। तो क्या होता था? ब्लैचिंग पाउडर। ब्लैचिंग पाउडर का यूज आप वाटर के प्यूरिफिकेशन में करते हो, उसके संयंत्रों को सुरक्षित करने के लिए करते हो, ठीक है। तो ये क्या है? वाटर के प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है। इसका नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। यह क्या होता है? दूसरा नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये क्या है आपका? कैल्शियम की हाइपो और क्लोराइड। ये क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका दूसरा नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिस्ट्री की भाषा में इसका नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है, ठीक है। अब ये भी इसके कुछ नाम है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण भी आप कॉमन नेम है इसका, विरंजक चूर्ण, ठीक है। और प्यूरिफिकेशन में काम आता है वाटर के कीटाणुओं के नष्ट करने में वाटर के अंदर, ठीक है। और कुओं में भी डाला जाता है आपका विरंजक चूर्ण, ठीक है।